हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग में। तो आज मैं आपसे पेड़ पौधों की मिट्टी के बारे में बात करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो गार्डनिंग के शौकीन हैं और गार्डनिंग के बिगनर्स हैं, मैंने उन लोग को देखते हुए ये चैनल बनाया है। तो आप सामने मिट्टी देख रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि पेड़ पौधों के लिए हमें कौन सी मिट्टी का चयन करना चाहिए। तो पेड़ पौधों के लिए हमें काली और पीली मिट्टी मिक्स मिट्टी का चयन करना चाहिए। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कोई घर बन रहा हो, तो आप वहाँ से खुदी हुई मिट्टी भी लेकर आ सकते हैं और मिट्टी को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और उसको फिर गमले में भरिएगा, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं और उसको साफ़ किए बिना ही हम गमले में ऐसे मिट्टी भर देते हैं तो हमारे पेड़ जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए मिट्टी को पहले साफ़ कर दीजिएगा। अब मिट्टी में हम वो कौन सी चीज़ मिलाएंगे, वो कौन से फर्टिलाइज़र्स डालेंगे जिससे पेड़ पौधे जल्दी जल्दी बढ़ें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वो गोबर खाद डालनी चाहिए। प्योर गोबर खाद डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ मैं प्योर गोबर खाद ही डाल रही हूँ। खाद दो तरह की आती है, एक मिट्टी गोबर खाद होती है और एक प्योर गोबर खाद होती है कि जो गाय के गोबर से बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने गोबर खाद ही डाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 4 बाल्टी मैंने मिट्टी ली है और 1 बाल्टी गोबर खाद ली है और आधी बाल्टी अब मैं आगे आपको बालू रेती डालते हुए दिखाऊंगी। तो ये मैंने टोटल 3 चीज़ें इस मिट्टी में डाल दी है। अब आपको बता देती हूँ कि इसमें मिट्टी में हम ये 3 चीज़ें मिलाएंगे तो पेड़ जल्दी बढ़ते हैं और पेड़ ख़राब भी नहीं होते हैं। इससे पेड़ मरते भी नहीं हैं और पेड़ जीवित रहते हैं। और ऐसा अगर आप आपके पेड़ पौधों में करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि आपके भी पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरोताजा रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने, जैसे कि आपको बता दिया है कि अब इसको क्या करना है, मिट्टी और गोबर खाद और बालू रेती को अच्छे से मिक्स कर लेना आएगा, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और तभी आप इसको गमले में भरिएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे ही गमले में भर देंगे तो आपके पेड़ पौधे अच्छे नहीं रहेंगे और जीवित नहीं रहेंगे, वो एकदम से मर भी सकते हैं। तो इसीलिए इसको इस तरीके से फर्टिलाइजर्स, वो मिनरल विटामिन पेड़ों को मिलना चाहिए जिससे पेड़ तरोताज़ा और अच्छे बने रहें। तो आगे आपसे और भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी कि कौन से पेड़ आपको लगाने चाहिए और कौन से सीज़न के हिसाब से नहीं लगाने चाहिए, उसके बारे में भी आगे के वीडियो में बात करेंगे। मिट्टी मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, काली और पीली मिट्टी मिक्स मिट्टी लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी तो बहुत तरह की आती हैंगी, तो इसीलिए इस मिट्टी के बारे में हमने सबसे पहले बात करी है वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं कि और कुछ भी जानकारी चाहते हो मिट्टी के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।